ऑल इंडिया, पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। नेशनल हेराल्ड केस, राहुल से सवाल हो रहे हैं, गली गली बवाल कांग्रेस कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस, एक न्यूज़पेपर जिसे साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL नाम की कंपनी के पास था। शुरुआत से इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहे। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस ने AJL को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था। फिर सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडिया नाम से नई कंपनी बनाई। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल को दिए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है, वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के कई राज्यों में भारी प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से राजभवन की तरफ जा रहे थे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने पूरे कांग्रेस दफ्तर के आसपास बैरिकेडिंग की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजभवन की तरफ जाने नहीं दिया। और ऐसी तमाम तस्वीरें कांग्रेस शासित राज्यों से आ रही है। दिल्ली से भी ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, इसके अलावा तमाम और जितने भी राज्य हैं वहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। चंडीगढ़ में भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, रोष जाहिर किया। ऐसे में वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। कई आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि पुलिस जो है वो ठीक तरीके से बर्ताव जो है उनसे नहीं कर रही है और लगातार बर्बरता कर रही है उनके साथ। ये तस्वीरें तितर बितर करने की आप देख सकते हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल जहां किया गया है, 90 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। केरल में भी ऐसा ही तस्वीरें नजर आई है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार ये जो विरोध है बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो है ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल करके राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का टॉर्चर यहां पर किया जा रहा है, इसी वजह से राहुल गांधी पूरी तरह से बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये बातें निकलकर सामने आ रही है, सवाल बहुत सारे हैं, ऐसे में जवाब तलाशने की कोशिश अगले आधे घंटे हम करेंगे। कांग्रेस नेता सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं। सुजाता जी, गली गली में बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी से सवाल है कि खत्म नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी FIR के ईडी को छोड़ रही है हमारे नेता राहुल गांधी पर, और ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी से सवाल है तो कांग्रेस में इतनी बवाल इतना क्यों बचाया जा रहा है। पहली बात तो हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम सत्य के राह पे है, क्योंकि सत्य पे ग्रहण लगाने वाले नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमारे नेता को बदनाम करने का ये इनका नया पैंतरा है। पहले भी इन्होंने केवल हमारे नेता को बदनाम ही तो किया है, इनके जितने फ्रिंज एलिमेंट है, सो कॉल्ड नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो क्या करते हैं, वो अपने किसी भी डिबेट में राहुल गांधी को टारगेट किए बिना निकलते नहीं है, मगर उनको फ्रिंज एलिमेंट बताती है। अब जहां तक बात है हमारे सत्याग्रह की, तो मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि पहले दिन सत्याग्रह जब हमने कहा कि हम करेंगे,
तो क्यों पुलिस ने बर्बरता करी महिला शक्ति के साथ, हमारे युवाओं के साथ? क्यों एक स्लग दे दिया गया मेन स्ट्रीम मीडिया को जो ये चलाती रही? और आपने भी देखा होगा कि एक ही बात हर न्यूज में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ईडी के सामने जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, डर क्यों लग रहा है? तो भाई जवाब तो वो दे रहे हैं, आप लोग तो ईडी के दफ्तर में मौजूद है। यानी कि जो भाजपा ने स्लग भेजा उसी को लेकर पूरी डिबेट्स हुई मेनस्ट्रीम मीडिया पे। दूसरी बात, दूसरे दिन हमने उनका विरोध किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, मगर आपने देखा कि एआईसीसी के दफ्तर में पुलिस किस तरह से घुसी, हमारे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, महिला शक्ति से, युवाओं से किस तरह की बदतमीजी करी। और आप मुझे बताइए, जो वहां जो कर्मी है दफ्तर में उनके साथ अभद्रता करने का क्या मतलब? जो मीडिया कर्मी है उनके साथ, माफ कीजिएगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है पुलिस कर्मी की, कांग्रेस कार्यकर्ता है, लेडी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ रही हैं। आप रेणुका चौधरी जी वाला बता रही हैं, मैं अभी उस पे आती हूँ, लेकिन आज आखिरी बात कह रही हूँ कि आज जो है, क्योंकि कल एआईसीसी के दफ्तर में इस तरह से घुसकर बदतमीजी करी गई है, अभद्रता करी गई, बर्बरता करी गई, हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट की तरह कर दिया गया, इस वजह से उसके खिलाफ हम आज राजभवन हमने कूच किया। और मुझे नहीं लगता कि जब तक पुलिस अपनी तरफ से कुछ गलत करती है तो किसी भी कांग्रेसी प्रदर्शन में कुछ भी गलत हुआ होगा। आप अगर उत्तराखंड जहां से मैं आती हूं, मैं भी उस वहीं से आ रही हूं, आपके सामने बैठी हूं और अपना विरोध दर्ज करा के आई हूं, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या हो रही है? भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से भी ध्यान भटकाना चाहती है और लोगों को भ्रमित भी करना चाहती है। आप रेणुका चौधरी जी की बात कर रही है, तो मैंने रेणुका चौधरी जी का वो वीडियो भी देखा, रेणुका चौधरी जी का एक बयान भी सुना जो उन्होंने एक नेशनल मीडिया चैनल को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीछे से लोग मुझे धक्का मार रहे थे और सामने जो पुलिस वाला था उसकी कोई गलती नहीं थी, पर मेरे हाथ में सिर्फ उसका कॉलर आया और मैं अपने आप को बैलेंस कर रही थी। उनसे पूछा गया इतनी देर तक आपने क्यों पकड़ा, तो उन्होंने ये बात कही कि पीछे से मुझे धक्का दिया जा रहा, आप वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और उस पुलिस वाले की कोई गलती नहीं है और मैंने कोई उससे, मेरा कोई उससे बदला मैं नहीं ले रही थी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। इससे ज्यादा क्या सत्यता आपको जरूरत है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि पुलिस वाले की कोई गलती नहीं है? यहीं पे बात साफ हो जाती है कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। हर नेता एकदम कोई फिट तो है नहीं कि आप एकदम सोचेंगे खड़े हो गए, मोदी जी को देख लीजिए, अगर आगे पीछे से आ जाएंगे वो संभाल लेंगे अपने आप को? भूल गए आप वो लोग, वो तस्वीरें जो आपने स्मृति ईरानी की देखी थी? पूछा जा रहा है कि 10 साल अभी इनके हुए नहीं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 10 साल तो ये भी सत्ता से बाहर रहते ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के जाने के बाद, लेकिन बातें ऐसे कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। भैया सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। अब आ जाते हैं एजेएल के मुद्दे पर। एजेएल के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, यंग इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज, माफ कीजिएगा बीच में फिर दोबारा टोक रही हूँ, बस एक सवाल मैं वैभव जी से ले लूं, उसके बाद फिर आप पर कंटिन्यू करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी से सवाल हो रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है, सवाल ही तो है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जहां गड्ढा होता है पानी वहीं भरता है। तो अगर मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, दंगाइयों की तरह बिहेव करना, मतलब ये सब क्या हो रहा है। और जहाँ तक रेणुका चौधरी जी की बात है, वो तो वीडियो से सामने दिख ही रहा है कि वो उनको कितने धक्के लग रहे थे और कितने नहीं लग रहे थे। तो वो मतलब जनता को बेवकूफ़ समझना कांग्रेस जिस दिन बंद कर देगी उस दिन शायद सत्ता में लौटने के सपने देख सकती है, लेकिन आज की तारीख में तो कांग्रेस मुक्त भारत ही सही नारा है और पूरा भारत उसी राह पर चल रहा है। आप कोई भी इलेक्शन उठा के देख लें, चाहे भाजपा वहाँ पे सरकार बनाई है किसी प्रदेश में या नहीं बनाई है, चाहे केंद्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं कोई हारा हुआ इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़ हम हारे हैं, देहरादून अभी जीते हैं, तो हमने अपना जो वोट शेयर है वो प्लस ही किया है, वो माइनस में नहीं आया है। अब आप देखें वेस्ट बंगाल में 2 सीटों से 70 सीटों पर पहुँच गए। तो देखिए कांग्रेस जो भी सोच ले वो सोच ले, ममता बनर्जी जो भी सोच ले वो सोच ले, इनके एक ही लोग हैं ये लोग, क्योंकि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है और जिसके नाम के साथ कांग्रेस जुड़ गया वो एकदम कांग्रेस युक्त हो गए। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये सारी बातों का औचित्य है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। जनता जनार्दन परेशान हो रही है,
देश जल रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आम नागरिक से बहुत ऊपर समझते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अरे मेरे को कैसे बुला लिया। जहां तक तथ्यों की बात है इस पूरे मैटर में, ईडी को बिना एफआईआर के छोड़ दिया। आप लोगों के पास वकीलों की तो कमी है नहीं, अभिषेक मनु सिंह भी तो सीनियर एडवोकेट हैं और वो मतलब रात को 12-12 1-1 बजे 2-2 बजे तक कोर्ट खुलवाए हुए हैं, उन्होंने सबने देखा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ज्वाइन क्यों कर रहे हैं आप। मत ज्वाइन करिए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड लॉ वेरी वेल। तो आप मत ज्वाइन करिए, आप कोर्ट में रिट पिटीशन डायल करिए सुप्रीम कोर्ट में, आप रात को कोर्ट खुलवा लीजिए और आप वहां से ऑर्डर ले लीजिए कि बिना एफआईआर के हमें परेशान कर रहे हो, तो आपका आर्टिकल 21 का खनन है राइट्स का एज अ सिटीजन, तो उसमें दिक्कत ही क्या है। और वो नहीं कर रहे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द है। अब आप देखें, मतलब सबने बोल दिया कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, बिल्कुल नहीं बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने, तो बिल्कुल नहीं बनाई थी। 7 फाउंडर मेंबर्स थे और उसके बाद करीब 5,000 स्वतंत्रता सेनानी फाउंडर मेंबर्स थे, सबने मिलकर पैसे दिए, 3-3 रुपए का एक एक शेयर खरीदा है सबने, और पूरी लिस्ट मैंने पब्लिक करी है मेरे ट्विटर हैंडल पे, प्रेस रिलीज भी हुआ है उसके ऊपर, पूरी फहरिस्त लाइसेंसी इससे शेयर होल्डर्स की पूरी फहरिस्त दी गई है। उस फहरिस्त में से आधे लोग तो गायब हैं, 50,000 शेयर ललित सूरी के पास है जो दिवंगत हैं, और 50,000 शेयर उनकी धर्मपत्नी के पास है, ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ललित होटल वाले। तो ये क्या मसला चल क्या रहा है? और ये 30 रुपए प्रीमियम वाला शेयर है, प्रेफरेंशियल शेयर जो मैं कह रहा हूँ 1,00,000 शेयर, तो ये मसला चल क्या रहा है? तो ये इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है? अगर हमें सबको याद है कि अमित भाई को तो बीच लंच में बिठाते खाना खाते हुए उठा के लाए थे, अमित भाई सिटिंग होम मिनिस्टर थे गुजरात के उस समय, अमित भाई तो अपने लवाजमे के साथ नहीं आए, उनके पास तो ऑफिशियल सिक्योरिटी थी। अभी राहुल जी अगर ईडी दफ्तर गए हैं और पूरा रास्ता कॉटन ऑफ किया हुआ है, 50 गाड़ियां साथ लेके जाने में क्या जरूरत है? ऐसे तमंचे लेके ऐसे टांगे हुए हैं सारे पुलिस वालों ने और ऐसे किए हुए, क्या जरूरत थी? थोड़ा हम्बल रहिए, थोड़ा देश की सेवा बनने का सेवक बनने की कोशिश करिए तो समझ आ जाएगी। लेकिन आप तो अबव एवरीथिंग है, आप तो अपने को तोप समझते हैं, तो आप ठीक है फिर तोप जैसा बिहेव कर रहे हैं तो कर रहे हैं, देश की जनता सब देख रही है। अगली बार डेमोक्रेसी का यही तो फायदा है, जब इलेक्शन में जाएंगे वोट मांगेंगे, जनता देखेगी, हंसेगी, एंटरटेनमेंट करेगी और फिर उसके बाद वोट देगी नहीं। तो अब वो इच्छा है उनके, हर नेता का अपना तरीका होता है स्टाइल राजनीति करने का, मेरे को उस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनका जैसा तरीका है वो अपनी राजनीति वैसे करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, कॉल अ स्पेड इफ इट्स अ स्पेड, बड़ी सिंपल बात है, अगर काला रंग है तो वो उसको काला ही बोलेंगे, उसको नीला पीला हरा सफेद नहीं बोल सकते। तो आप अगर वैसे एक औचित्य रखेंगे भारत की जनता के साथ आज की तारीख में, तो बढ़िया रहेगा एक राजनीतिक दल होने के हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा है, आपका राजनीतिक दल है, आप जैसे करें करें, हमारा कोई रोल नहीं है ईडी में। और बिना एफआईआर वगैरह ये सब डायलॉग जुमले हैं, ये सब झूठी बातें हैं, कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर आप चैलेंज कर दीजिए अगर आपको लगा बिना एफआईआर के। मेरे पे अगर कोई जबरदस्ती लांछन लगाए तो मैं एफआईआर करूंगा ना, मैं कोर्ट जाऊंगा और रिट लगाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई साहब जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। सुजाता जी, कांग्रेस के तर्क ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम चला रहे हैं, काफी ज्यादा तर्क दिए हैं कि सब पारदर्शिता है, कुछ छिपा नहीं है इस केस में। अभी आपने भी बहुत सारी बातें बताई और आपने कहाँ पे ये कहा कि इसमें कुछ गलत है। मैं आपको एक कंपनी है श्री मल्टीमीडिया लिमिटेड, उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगी, मुंबई से छपता है जो आरएसएस का जो जहां से पब्लिश होते हैं उनकी पत्रिकाएं वहां से, और इस ये जो एक कंपनी है ये फॉर प्रॉफिट कंपनी है। हम तो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की बात कर रहे हैं, उस पे मैं आती हूं, लेकिन ये फॉर प्रॉफिट कंपनी है। 25,00,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी फंड से एक प्रॉफिट वाली कंपनी को दिया, और इस कंपनी में जो निदेशक है वो भाजपा के नेता है, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिए, लेकिन उस पर तो कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। अब इंक्वायरी कहां हो रही है? इंक्वायरी हो रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी, आप बार बार पूछ रहे ना कांग्रेस पार्टी क्यों सड़कों पे उतर रही है, तो मैं एक चीज साफ कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने फंड दिया है ना, तो यानी कि शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी से हुई है, कांग्रेस पार्टी ने फंड दिया और ये फंड यंग इंडिया के माध्यम से जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड है उसको मिला। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड नॉन प्रॉफिट है, यंग इंडिया भी नॉन प्रॉफिट है। अब एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जो ओनर प्रिंटर पब्लिशर है नेशनल हेरल्ड की, वो इक्विटी में नहीं कन्वर्ट कर सकती डेट को। ये भी बात मेरे ख्याल से भाजपा के वैभव जी इस बात को भी मानेंगे कि वो नहीं कर सकती है, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। वो भी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल, जर्नल्स लिमिटेड
नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, फॉर प्रॉफिट कंपनी है। मैं आपको क्या बताया, इनफैक्ट वन सेकेंड, आपने आप रिकॉर्ड पे हैं, आप अपनी जब डिबेट या आपके पास लिंक आएगा तो आप उसको देखिएगा, ये एक एरर है, मैं उसको सही करना चाहूंगा। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उनके प्रावधान में है 5% डिविडेंड देना अपने शेयर होल्डर को डे वन से, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सर, दिया। ₹30 का 1937 में ₹30 का शेयर प्रीमियम पे प्रेफरेंशियल शेयर इशू किया था, वो ₹30 आज की तारीख में 3 करोड़ है, ठीक है? ₹3 का 1 शेयर उस समय, मैं बोलूं ₹3 का 1 शेयर 1937 में और 37 में, वो आज की तारीख में कम से कम 30 लाख है। वैभव जी, आपने जो बात कही, नॉट फॉर प्रॉफिट में, एक मिनट सो जाता जी, नॉट फॉर प्रॉफिट में डिविडेंड देने का प्रावधान नहीं होता है शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, ठीक है? दिया उसने प्रॉफिट, ये है, एक सेकंड, प्रॉफिट दिया। आप पूरे डॉक्यूमेंट पेरूज करेंगे तो आप समझेंगे, मैं करीब 13 कंपनियों का मालिक हूँ और कंप्लायंसेस में एक वकील भी हूँ, और कंप्लायंसेस में मेरी चलती है, इंडस्ट्री में जो मुझे जानता है वो जानता है, वो ये कहता है कि कंप्लायंसेस मेरे हाथ से निकलती हैं, ठीक है? तो मैं और कई सरकार की कई कमिटीज पे मैं मेंबर रह चुका हूँ, आपकी सरकार में, मेरी सरकार में तो मैं अभी कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, आपकी सरकार में रह चुका हूँ एज एक्सपर्ट पैनल। मैं तो आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूँ, आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा, मैं आपको केवल एक बात बताइए बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वापस जाएं अपनी अगली डिबेट से पहले और कागज पूरी तरह समझें, सुन लीजिए, आपने बोले कि वो आपको कागज भेजेंगे तब आप समझेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप समझें कि भाजपा ने जो 25 लाख रुपए श्री मीडिया मल्टीमीडिया को दिए हैं और उसमें भाजपा के डायरेक्टर है तो क्या हो गया? अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, फॉर प्रॉफिट नहीं, आप नहीं, ये गलत बात बता रहे हैं, कोई भी पार्टी फॉर प्रॉफिट कंपनी को पैसा नहीं दे सकती, कोई भी पार्टी फॉर प्रॉफिट कंपनी को पैसा नहीं दे सकती है। या आप जो लोग लोगों को भ्रमित करने की कोशिश मत करिए, सुनिए, मैं भी वकील हूँ, वकील मैं भी हूँ, पूरा पढ़ के आई हूँ, ठीक है? सुजाता जी, एक मिनट बोलिए, गलत बात मत बोलिएगा, मेरे को कंप्लीट करें, मैं गलती करूंगा तभी तो आप मेरे को काउंटर करेंगे ना, कैसे है ना? तो मैं गलत बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपको ये लगता है कि हमने एक स्कैम किया है 25 लाख रुपए का, तो आप अगर वकील हैं तो आप क्यों नहीं उसका कोर्ट का दरवाजा खटखटाते? लेकिन आप लोगों ने तो स्टेटमेंट ऑलरेडी दिए, और देखिए, भाजपा तो आरतियों की पार्टी है, बिजनेसमैन वालों की पार्टी है, हमेशा से ये बात हुई है ना, और कांग्रेस हमेशा वकीलों की पार्टी है, हमेशा से ये बात हुई है, तो आप लोग तो वकीलों से भरे पड़े हैं, भरपूर है, आपके वकील अभी तो एक 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 बड़े वकील तो छोड़ के गए भी है, कोई बात नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं, तो आप क्यों नहीं रिट डाल दो, 156(3) में डाल दो, बहुत सारी वो तो है, FIR दर्ज करा दो, आप उत्तराखंड में, आपकी सरकार, ये वन वे ट्रैफिक चल रहा है क्या? नहीं, ये वन वे ट्रैफिक चल रहा है, सवाल मुझसे पूछा गया, मैंने आपको कहा, No, I told you to, I did not stop you when you wanted to intervene. लेकिन आप गलत बात कह रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं. देखिए, no. Now, AJL, no. You are making a mistake here because AJL could not have converted. You have. See, it was Young India. Young India was brought in to convert the debt into equity. आपके भाजपा के बहुत सारे प्रवक्ता कह रहे 50 लाख रुपए ही दिए भैया, वो तो शेयर ट्रांसफर हुआ, इस बात को वो बोलते ही नहीं, शेयर का प्राइस आप खुद ही बता रहे हैं कि कितना ज्यादा है, तो अगर डेट टू इक्विटी हुआ है तो इसी कारण से हुआ है। अरे सुनिए, लेकिन वो नोशनल है, यस यस, लेट मी कंप्लीट, इट इज ऑल नोशनल। अरे सुनिए, तो बोलने दीजिए, नो, देखिए, ये तो अगर बोलने नहीं देंगे, मैं मुझे आदत नहीं है बीच में बोलने की, लेकिन आप अगर बोलते जाएंगे तो दैट्स नॉट करेक्ट। सवाल ये है, 100 सवाल हो चुके हैं, अब कितने और सवाल? मैं यही तो आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस मैटर में 2015 में क्लीन चिट दिया गया, जिस मैटर में कोई प्रॉफिट किसी को नहीं मिला, अगर कोई प्रॉफिट राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी ने लिया तो ईडी उसके बारे में डिस्क्लोजर करेगी, वो हमारे बैलेंस शीट में भी होगा, हम अपना बैलेंस शीट ईसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, नहीं हर साल, हम नेशनल पार्टी है, हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, तो ईसी भी गलत है, आपकी सरकार है आज, और हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि किसी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उस पर आपने कब्जा किया, लेकिन आप ही की ईसी जो है
उसने तो सवाल नहीं उठाए, आप सवाल उठा रहे हैं कि जी इसमें से प्रॉफिट आया, इसमें से जो शेयर्स है वो ट्रांसफर क्यों हुए। तो सच्चाई ये है कि ईडी अगर आज कार्रवाई कर रही है तो इतने साल क्यों सो रही थी? क्या 2024 की आप तैयारी नहीं कर रहे? क्या नुपुर शर्मा के बयान पे बवाल नहीं हो रहा? क्या नुपुर शर्मा के बयान पे कतर के सामने आप नहीं झुक गए? इतने छोटे से देश के सामने क्यों झुकने की जरूरत है हमें? और क्या आप लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश नहीं की? क्या आज अग्निपथ के नाम पर बवाल नहीं मचा हुआ है सड़कों पे? आप मुझे बताइए कि मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, और इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए एक प्रधानमंत्री जो फिल्मों की प्रमोशन में लगा रहता है, पहले कश्मीर फाइल्स कर रहा था, कश्मीर नहीं संभला, अब अग्निपथ कर रहा है और बेरोजगार नहीं संभल रहे। तो सच्चाई ये है कि मुद्दों से भटकाने के लिए जो कुछ भाजपा कर रही है वो दैट इज लिटरली बिलो द बेल्ट, और आप केवल एक नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और भूल जाते हैं कि 10 साल आप भी सत्ता से बाहर रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज हम सत्ता से बाहर है और खास करके शाह और शहंशाह जैसे तानाशाह के सामने जो हर सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, जो राजा बाबू की तरह फिल्मों की तरह फिल्मों को प्रमोट करते हुए देश चला रहा है, कम से कम आज जो लोग खड़े हैं सड़कों पर उनको देखिए, जो बेरोजगार खड़े हैं सड़कों पर उनको देखिए। हमारे नेता को टारगेट करेंगे, ये राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी का पोता है, किसी से डरने वाला नहीं है, और एकमात्र ऐसा नेता है जो आज मोदी जी को ललकारता है, हर इशू पे बात उठाता है, सड़कों पे उतरता है, लोगों के साथ खड़ा मिलता है। लेकिन मोदी जी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज तक, बताइए ना कि क्यों नहीं कर पाए? वैभव जी, आखिरी कमेंट आपसे। वैभव जी तक मेरी आवाज नहीं आ पा रही है शायद। वैभव जी, जी जी वैभव जी, आखिरी कमेंट आपसे। जी मैम, ऐसा है कि सुजाता जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो फैक्ट्स पे नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष की पूजा का अर्चना का मामला बन गया है। तो अगर देश के हित में चाइना से ना मिले होते, पार्टी करते हुए ना पकड़े जाते स्पाइस के साथ, और ये सब परेशानियां ना होती तो एक बार तो देश फिर भी सुन लेता, लेकिन आज की तारीख में जितना बोलेंगे उतना गलत है। केवल शांति से आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है वो हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमने ज्वाइन करी है। अरे चाइना को जमीन दे दी, ये बोल गए। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी को लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर बवाल चारों ओर मचा हुआ है, लेकिन क्लियर अब तक कुछ नहीं हो पाया है। कितना वक्त लगेगा, कब तक चीजें क्लियर हो पाएंगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022।